देश भर में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी गई है। ऐसे में भारत मोटर्स की तरफ से स्वर्गीय प्रख्यात पत्रकार उदय सिन्हा के सम्मान में जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जरूरतमंद लोगों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो आ रहे हैं और खिचड़ी लेकर के अपने परिवार के लिए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इस वक्त देश बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, लोगों के सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो जिस तरीके से भारत मोटर्स लगातार कई दिनों से यह अभियान चला रहा है और जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी से कि वो तस्वीरों को जरा अच्छे से दिखाएं, जूम करके दिखाएं कि खिचड़ी बनाया गया है, खिचड़ी काफी अच्छी है, इसमें तरह तरह की सब्जियां भी डाली गई हैं जो कि जरूरतमंदों को खाने से काफी स्वादिष्ट तो लगेगा ही, इसके साथ ही प्रोटीन की व्यवस्था उन्हें काफी अच्छे से मिलेंगी। कुछ तस्वीरें मैं चाहूंगी आप पीछे से भी अच्छे से दिखाएं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है वो धीरे धीरे आ रहा है। लोगों को बताया गया है कि इस जगह में लगातार लॉकडाउन तक इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। तो आप तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं कि जरूरतमंदों के सामने किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए भारत मोटर्स लगातार जरूरतमंदों को भोजन करा रहा है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। प्रख्यात उदय सिन्हा के सम्मान में किया जा रहा है। सबसे पहले तो भारत मोटर्स को साधुवाद देना चाहेंगे क्योंकि प्रख्यात पत्रकार उदय सिन्हा के सम्मान में आज का भोजन है जो जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। इनमें गरीब गुरबा कहना उचित नहीं होगा, जो भी जरूरतमंद है उन्हें दिया जा रहा है, इसलिए भारत मोटर्स को साधुवाद। शत्रुघ्न जी ने यह आयोजन किया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित होने के लिए उन्होंने कहा है। जो यहाँ आ रहे हैं लोग दो दो टाइम का भोजन लेकर के जा रहे हैं क्योंकि ये कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व अभी छटपटा रहा है, इसमें इंसान को इंसान की तरह काम करने का ज़रूरत है, इंसान के भूख को समझने का ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी कहा है कि ज़रूरतमंदों की ख्वाहिश पूरी की जाए, तो आज का जो भोजन की व्यवस्था जो हुई है भारत मोटर के सहयोग से वो स्वर्गीय प्रख्यात पत्रकार उदय सिन्हा के सम्मान में हुआ है। उदय सिन्हा झारखंड में भी बहुत दिनों तक काम किए हैं और दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, कलकत्ता, कई जगहों पर उन्होंने काम किया है और पत्रकारिता को एक नई मंजिल भी दी है। चलिए और भी भारत मोटर्स के कुछ कर्मी हैं उनसे हम बात करते हैं। हमें बताइए कि कई ऐसे लोग हैं जब ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो लोगों को पता चलता है तो जरूरतमंद लोग छूट जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है जो छूट जा रहे हैं? नहीं, ऐसे तो है नहीं, जो भी गरीब तबके के उन्हीं को भोजन दिया जा रहा है जी। और आसपास बहुत सारे सब मजदूर इलाका है, जैसे देखिए आप इरगू टोली देखिए, आनंद नगर देखिए, विद्यानगर देखिए, हरमू में देखिए, वहाँ के सब गन्ना वाले आते हैं, ठेला वाले आते हैं, फुचका वाले आते हैं, सब्जी बेचने वाले आते हैं, वही सब भोजन ले जा रहे हैं। चलिए, तो जो सभी जरूरतमंदों का विशेष ध्यान रखा जाता है, मैं चाहूँगी मेरे सहयोगी से एक बार इस तस्वीर को दिखाएं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो काफी अच्छे तरीके से पालन हो रहा है। एक सर्किल बनाया गया है जिसमें लोग आ रहे हैं, उस सर्किल में खड़े रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग जो लगातार बोला जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना है, तो लोग उसका बखूबी पालन कर रहे हैं। सारे बच्चे भी आपको दिख रहे होंगे इस वक्त मास्क लगाए हुए, तो कहीं ना कहीं जागरूकता जो है वो लोगों में है। एक आध दो लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, लेकिन जागरूकता जो जिसकी लगातार चर्चा की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। लोग खुद तो यहाँ की खिचड़ी का लुत्फ उठा ही रहे हैं, साथ ही अपने घरों के लिए भी ले जा रहे हैं। जैसे देखिए ये बच्चा है छोटा सा, घर के लिए लेने के लिए आया है। बेटा घर के लिए लेने आया हो, क्या नाम है? ऋषभ। मालूम है कोरोना क्या है? क्या है? एक्सीडेंट। चलिए, बीमारी है, बच्चों को भी मालूम है कि कोरोना क्या है, तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत मोटर्स जो है वो लॉकडाउन के समय से ही इस तरीके का अभियान चला रहा है ताकि जरूरतमंद कोई भी भूखा ना रहे, लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या ना हो। अगर किसी के सामने समस्या है तो यहाँ पे आ सकता है और इसके साथ ही यहाँ के खानों का लुत्फ उठा सकता है। सहयोगी शशि के साथ रेखा मिश्रा, ओंकार अवामी, रांची।